सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र की धारिता के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया गया है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में एक बिंदु B है, मतलब एक फिगर दिया गया है, इसमें एक बिंदु B है जो पृथ्वी से जुड़ा है और A बिंदु को 1200 वोल्ट की बैटरी पे रखा गया है। आपको इसमें फाइंड क्या करना है कि जितने भी संधारित्र जुड़े हैं C1, C2, C3 सब पर आवेश का मान कितना होगा तथा बिंदु C पर विभव का मान कितना होगा। फिगर दिया गया है कि एक चित्र दिया गया है, इसमें कह रहा है कि बिंदु B जो है वो पृथ्वी से जुड़ा है और आपको पता है बच्चों जो बिंदु पृथ्वी से जुड़ा होता है उसका जो विभव होता है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और बिंदु A को 1200 वोल्ट की बैटरी पे रखा गया है, इसका विभव कितना है, 1200 वोल्ट का है। आपको फाइंड करना है सी बिंदु पर कितना विभव है और क्या फाइंड करना है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना है। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों, इसका सलूशन देखते हैं। तो बच्चों पहले क्या किया जाए, हम फाइंड कर लेते हैं पूरे फिगर की तुल्य धारिता कितनी होगी, जितने भी संधारित्र जुड़े हैं इनकी तुल्य धारिता। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह, मान लीजिए इसको भी हम किसी बैटरी से ऐड करें तो यहां से क्यू आवेश अगर दिया जाएगा तो यहां तक तो क्यू आवेश आएगा, लेकिन उस क्यू आवेश का कुछ भाग इस रास्ते से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा। और अगर आवेश का मान अलग अलग होता है तो कैसा संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो C2 और C3 जो संधारित्र हैं किस क्रम में जुड़े हैं, C2 तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी बच्चों, C बराबर C1 प्लस C2, लेकिन हो जाएगा C2 प्लस C3। तो C बराबर हो गया, C2 का मान कितना है बच्चों, 4 माइक्रोफेरेड है, प्लस C3 का मान कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है, तो हो जाएगा 4 × 2 = 6 माइक्रोफेरेड। बच्चों अगर इस फिगर को हम दोबारा ड्रा करना चाहें तो फिगर आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, A बिंदु आपका A है, संधारित्र आपका C1 है, ए बिंदु आपका सी हो गया, यहां से ये दोनों मिलकर के क्या हो गए बच्चों, 1 हो गए और इनकी तुल्य धारिता मिलकर के कितनी आ गई, 6 माइक्रोफैरेड का आ गया। ए बिंदु आपका बी हो जाएगा, किससे जुड़ा है बच्चों, पृथ्वी से जुड़ा है। तो अब ये दोनों संधारित्र किस क्रम में हो गए बच्चों, एक सीरीज में हो गए। अगर क्यू आवेश इसको दिया जाएगा तो यही क्यू आवेश सब में प्रवाहित होगा, तो कहने का मतलब एक किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। हम लिखेंगे कि इसका मान कितना था, C1 का मान बच्चों था 3 माइक्रोफेरेड। तो हम लिख सकते हैं 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के जो संधारित्र हैं परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, याद हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहां से हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, या टोटल इसी को मिला करके बताया गया था C इज इक्वल टू क्या होता है, C1 C2 / C1 + C2। दो संधारित्र जब सीरीज में हो तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 × C2, C2 की वैल्यू कितनी है, 6/C1 की वैल्यू है 3 प्लस C2 की वैल्यू कितनी बच्चों, 6 है। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 6 = 18 / 6 और 3 कितना हो गया, 9, कैंसिल होकर के आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। कहने का मतलब A और B के बीच की तुल्य धारिता कितनी हो गई, 2 माइक्रोफेरेड। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है,
तो बच्चों अगर यहां से हम कहें कि पहले हम निकाल दें इस पूरे मतलब ए और बी के बीच कुल कितना विभवांतर है, अर्थात वी ए बी अगर फाइंड किया जाए तो यहां से वी ए बी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए कहो या वी ए माइनस वी बी अगर हम करते हैं तो ए बिंदु का पोटेंशियल कितना है बच्चों, अभी बिंदु का 0 है अभी ए बिंदु का कितना है 1200 है, तो वी ए बी बराबर कितना आ जाएगा 1200 वोल्ट दिया गया है। अब मान लीजिए यहां से क्यू आवेश निकला, अगर इसको हम किसी काल्पनिक बैटरी से जोड़ते हैं तो इससे कितना आवेश गया, आवेश का मान फाइंड करना होगा, तो यहां से हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन क्यू बराबर सी वी होता है, तो क्या होता है सी वी, भी क्या होगा ए बी के बीच का विभव, ए बी के बीच का विभव कितना है 1200 और तुल्य धारिता ए और बी के बीच की कितनी आ गई 2 माइक्रोफैरड, तो यहां से हो जाएगा इसको हम पहले संधारित्र में करें या हम वही रहने दे रहे हैं क्यों ही, तो हो जाएगा सी का मान आ गया 2 माइक्रोफैरड, तो हो गया 2 माइक्रोफैरड इंटू वी का मान 1200 वोल्ट, तो हो जाएगा पूरा गुणा करने पे हो जाएगा 2400 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइक्रोकुलाम, या आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो कि टोटल अगर चेंज करना हुआ तो सी का मान आया 2 माइक्रोफैरड है, इसको हम लिख सकते हैं 10^-4 क्योंकि 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10^-6, और वी का मान कितना आ गया बच्चों 1200 वोल्ट की बैटरी है, यहां से हो जाएगा 12 × 24 और 2 0 इसमें से 2 कम कर देगा, बचेगा 10^-4 कूलम। कहने का मतलब इस बैटरी से इसको कितना आवेश दिया जा रहा है 24 × 10^-4 कूलम, या इसको लिख सकते हैं 2.4 × 10^-3 कूलम भी कर सकते हैं, इतना हो गया। तो यहां से बच्चों कहने का मतलब इस संधारित्र पर आवेश कितना आ गया, जो आवेश इस बैटरी से गया पहले इसमें पहुंचा, इसमें जाने वाला आवेश कितना है 2.4 × 10^-3 कूलम, तो C1 संधारित्र में कितना आवेश जा रहा है 2.4 × 10^-3। अच्छा अब ये आवेश यहां से क्या हो गया, 2 भागों में बढ़ गया, अब हमको फाइंड करना है इस पर कितना आवेश है और इस पर कितना आवेश है, तो पहले क्या करते हैं इसकी तुल्य धारिता फाइंड कर लेते हैं, बच्चों इसकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में जुड़ी थी तो आ गया था कितना 6 माइक्रोफैरड का आ गया था, बी बिंदु का विभव पता है, अब हमको फाइंड करना है इसमें आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, चलिए तो यहां से हो गया C2 तथा C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, क्रम में है, तो इनका तुल्य धारिता आया था बच्चों C2 + C3 हो गया था, तो C2 का मान 4 था और C3 का मान कितना था 2, ये बराबर आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। अब आपको फाइंड क्या करना है कि इस पर आवेश कितना है, और पहली चीज बच्चे दोनों समांतर कर रहे हैं तो विभव दोनों का क्या होगा, समान होगा, विभव समान होगा, तो यहां से हो जाएगा, अब आपको निकालना C2 पर कितना आवेश है C3 पर कितना है, तो यहां से इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी पता हो गया। तो बच्चों अगर यहां से हमको इसका मतलब इसके और इसके बीच का विभवांतर पता हो जाए कि इस दोनों का विभवांतर कितना, मतलब सी और बी के बीच का विभवांतर कितना है, तो जाएगा इसको हम कर सकते हैं भी सी बी कर सकते हैं या बी सी कर सकते हैं, भी बी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आप खुद पढ़े हो क्यू बराबर सी भी, तो यहां से भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों क्यू बाई सी हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्यू बाई सी, यहां से क्यू का मान जो आया है बच्चों वही आवेश इसमें जा रहा है, कितना आया है आवेश, यहां से आया 2.4 × 10^-3 बटे सी का मान, सी का मान मतलब इसके बीच की जो बीच का जो धारिता है और इन दोनों के बीच की जो धारिता है, तो धारिता कितनी आई है 6 आ गया, यहां से कट जाएगा 6 × 24 तो कितना आ गया बच्चों 6 क्या आया था माइक्रोफैरड आया, 2 × 10^-6 कर दीजिए, यहाँ 6 × 24 हो गया और 10^-3 इसमें से कट जाएगा, ऊपर बचा 0.4 और नीचे 3 कटा 3 बचेगा -3, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यही वी बी सी बराबर आ जाएगा बच्चों आपका
ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 0.4 × 10³³ 1.08 आएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 400 वोल्ट आ जाएगा इसके बीच का विभव। अब हमको फाइंड करना है इस पर आवेश कितना है, तो इस पर जो आवेश था इसको हम मान लेते हैं बच्चों Q1, और Q1 का मान जो आया था फाइंड हो गया। इस C2 पर संधारित पर जो आवेश है उसको हम निकाल दे रहे हैं Q2, Q2 बराबर हो जाएगा C2V, तो यहाँ से हो जाएगा C2 का मान कितना बच्चों 4 माइक्रोफेरेड है, तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ है क्योंकि माइक्रोफेरेड है, गुणे V का मान, ये दोनों समांतर क्रम में है तो विभव क्या होगा समान कितना है 400 वोल्ट का है, यहाँ से हो जाएगा 4 × 16⁰⁰ × 10⁻¹। ये बराबर आ जाएगा 2 जीरो इसका 2 घात कम कर देगा तो आ जाएगा 16 × 10⁻¹। ये इसको लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻³ कूलम। ठीक उसी तरह बच्चों इस पर निकाल दिया जाए कि आवेश का मान कितना है, इसे हम निकाल देते हैं इधर। तो यहां से हो जाएगा आपका, अब हम निकालें C3 पर आवेश कितना है, C3 पर आवेश की मात्रा कितनी है, तो यहां से हो जाएगा वही उसको हम Q3 मान लें, तो हो जाएगा C3 भी हो जाएगा, तो Q3 बराबर हो गया, C3 का मान है 2 माइक्रोफेरेड है, ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻¹ × विभवांतर, इनके बीच का कितना आया था बच्चों 400 वोल्ट आ गया है, ये हो जाएगा 400 हो गया Q3 बराबर 4 × 2 = 8 हो जाएगा 800 × 10⁻¹, या इसी को लिख सकते हैं 8 × 10⁻¹ कूलम। प्रत्येक संधारित पर क्या आ गया बच्चों आवेश का मान आ गया, और क्या निकालना है सी बिंदु का विभव, तो बी और सी के बीच का विभव क्या आ गया था बच्चों, यहां से VCB बराबर आया था आपका, VBC बराबर आएगा क्या सी और बी के बीच का, तो यहां से हम VCB कह सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा VC माइनस, या BC करो BC बराबर हो जाएगा VC माइनस VB। तो VBC का मान बी और सी के बीच के जो आप आया था विभवांतर कितना आया था 400 वोल्ट का, यहां से हो गया आपका 400 बराबर VC का मान फाइंड करना है, तो माइनस हो जाएगा VB का मान 0 है, यहाँ से VC बराबर भी क्या आ जाएगा 400 वोल्ट का विभव आ जाएगा। ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दिया गया चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, आपको क्या निकालना है A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो धारिता कितनी होगी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट है बच्चों बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट यह है कि जो फिगर दिया गया है इसमें क्या है कि पहले एक संधारित्र जोड़ा, इसके बाद 2 संधारित्र जोड़ा, इसके बाद 3 संधारित्र, इसके बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे समांतर क्रम में संधारित्र जोड़े गए हैं, कहां तक गया है उसमें कितनी कितने टर्म होंगे टोटल, कितनी भुजा है n भुजा है, मतलब ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू सतत चलता जा रहा है, पहले एक संधारित्र जुड़ा, इसके बाद 2 संधारित्र जुड़ेगा समांतर क्रम में, इसके बाद 3 संधारित्र जुड़ेगा, इसके बाद अगला 4 संधारित्र जुड़ेगा, 5 संधारित्र, 6 संधारित्र, यह संधारित्र जुड़ता जाएगा। तो बच्चों आपको निकालना है कि इस ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, तो बच्चों अगर हम C1 का मान कहें इसका हम सोल्यूशन देखते हैं बच्चों, सोल्यूशन बच्चों अगर C1 की वैल्यू कहा जाए, C1 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता दिया गया बच्चों कितना 1 माइक्रोफेरेड, तो यहां से C1 का जो वैल्यू होगी कितना हो गया 1 माइक्रोफेरेड। उसी तरह अगर हम C2 कहें बच्चों कितना होगा, C2 में कितने संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं 2, समांतर क्रम का फार्मूला C1 + C2, तो यहां से हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। उसी तरह इसको इसका क्या माने बच्चों C1 इसको C2 कह दे रहे हैं, इसका C3 कह दे रहे हैं, यहाँ से C3 बराबर हो जाएगा तीनों संधारित्र का 1 + 1 + 1 बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड का। उसी तरह अगर भाई चौथा हम कहें तो हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। कहने का मतलब बच्चों क्या है, ये यन भुजा का मतलब इसी तरह असेंडिंग आर्डर बढ़ते क्रम में दिया गया, पहले एक धारिता जुड़ा, इसके बाद 2 धारिता, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 ऐसे दिया गया,
तो सर की तुल्य धारा पे हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों अगर यहाँ से कार्य टोटल किस तरह से होते जा रहे हैं, समांतर क्रम में। अगर हमसे कहा जाए कि ए और बी के बीच, उसी तरह मान लीजिए बच्चों थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि n टर्म के लिए क्या हो जाएगा, सी एन बराबर अगर हम करें, यहाँ से सी एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कितने टर्म जुड़े हैं बच्चों, n तक, प्लस डॉट 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 प्लस क्या, n तक। अच्छा बच्चों अगर एक को हम दो बार जोड़ते हैं तो दो बार लिखते हैं, तीन बार जोड़ेंगे, तीन बार चार बार जोड़ेंगे, चार बार उसी तरह अगर n बार जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, n आ जाएगा n माइक्रोफेरड। अब आपको क्या निकालना है कि इनकी तुल्य धारा क्या, तो ये फिगर आपका बच्चों किस क्रम में, अगर देखा जाए तो फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पहली धारा क्या, इसके बाद इससे ये दोनों मिलकर के एक हो गया, ऐसे हो जाएगा, ये तीनों मिलकर के एक हो गया, इसके बाद अगला ऐसे मिलकर के हो जाएगा, ऐसे पूरा प्रश्न बन जाएगा आपका, सी वन सी टू सी थ्री सब ऐसे बन जाएगा, सी फोर सी एन ऐसे होगा। तो ये सब किस क्रम में होगा बच्चों, समांतर क्रम में। तो अगर ए और बी के बीच की तुल्य धारा हम कहें, ए एंड बी के बीच तुल्य धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट 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 कहा था, प्लस एन प्लस सी एन हो गया। तो यहां से बच्चों हो जाएगी आपका C बराबर C1 की वैल्यू एक है, C2 की वैल्यू दो, C3 की वैल्यू तीन आएगा, इसी तरह डॉट 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 Cn की वैल्यू कितना आ गया बच्चों। अगर हम या हम कहें n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उस फार्मूले लगा सकते हैं, या हाई स्कूल में आप पढ़े बच्चों एक ऐसी श्रेणी बन रही है, आप देख लो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब जब दूसरे पद में से पहला पद घटाया अंतर समान आया, समांतर श्रेणी जिसका सार व अंतर समान हो, तो दो में से घटेगा तब भी एक आएगा, तीन में से दो घटेगा तब भी एक आएगा। तो समांतर श्रेणी से इसका क्या करना है, प्लस का मतलब योग फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों अगर हम निकालेंगे तो ए बराबर कितना मिलेगा, प्रथम पद इसका कितना मिला एक, और कौन सा पद निकालना है, यन पदों का निकालना है। सार्वंतर डी बराबर कितना मिलेगा बच्चों, दो माइनस एक अर्थात एक मिलेगा, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू आ जाएगा, फार्मूला आपका है बराबर फार्मूला होता है बच्चों एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, फार्मूला होता है, ये फार्मूला है समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो यहाँ से सी बराबर क्या है, टोटल सी माना गया है बच्चों, यहाँ से सी इक्वल टू हो जाएगा, एन टर्म तक जोड़ना है, एन बाई टू पुस्तक में टू ए, ए की वैल्यू कितना है बच्चों, वन है, प्लस प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, एक आ गई। यहां से हो गया ये बच्चों एन बाई टू, ये हो जाएगा टू प्लस एन माइनस वन, ये आ जाएगा बच्चों एन बाई टू इंटू एन, और दो में से घटेगा प्लस एक, अर्थात आ जाएगा एन एन प्लस वन अपॉन टू माइक्रो फैरड, ये हो जाएगा बच्चों ए और बी के बीच की तुल्य धारा, नोट करें बच्चों इसे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक परिपथ है, अस्थायी अवस्था में दो संधारित्र जुड़े गए हैं, इस संधारित्र पर आवेश कितना होगा तथा प्रत्येक संधारित्र का विभव कितना होगा। मतलब बच्चों क्या करना है कि ये जो संधारित्र जुड़े हैं दो माइक्रो फैरड और तीन माइक्रो फैरड पर, इस पर आपको फाइंड करना है आवेश का मान चार्ज कितना है, और क्या फाइंड करना है कि उन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, विभव कितना होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर आपको आवेश निकालना है, आवेश निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, आवेश निकालने के लिए चाहिए विभवांतर, विभवांतर तो इस पूरे परिपथ का आपको पता है, और दूसरी चीज क्या निकालना है, तुल्य धारिता फाइंड करना है। अच्छा इसके बाद विभवांतर अगर नहीं दिया होता तो भी निकाला जा सकता था। चलो बच्चों पहले हम इसका क्या फाइंड कर लें, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसके बाद फाइंड कर लें इसमें कितनी करंट जा रही है, करंट का मान फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सब चीजें अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों ए प्रतिरोध ए प्रतिरोध ए ए किस क्रम में जुड़े हैं, मान लीजिए यहाँ से
आई धारा निकली, ये आई धारा है यहाँ तो जाएगी नहीं क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो यहाँ से आई ही धारा गई थी और आई धारा ही इसमें प्रवेश कर रही। अगर धारा का मान सब में समान होता है तो वो जितने प्रतिरोध होते हैं सब किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हो जाएगा R1 प्लस R2, तो हो जाएगा R बराबर R1 का मान कितना है बच्चों 5 धन R2 का मान है 6 बराबर 11 ओम। अच्छा अगर हम करंट निकाले तो बच्चों I इज इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा है E अपान R प्लस स्मॉल लेटर R, जहां स्मॉल लेटर R क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो यहां से बच्चों E का मान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया है 12 वोल्ट बटे R का मान कितना है बच्चों, R का मान टोटल आ गया 11 धन स्मॉल लेटर R का मान दिया है 1, यहां से हो जाएगा बच्चों ये 12 बटे 12 कट के आ जाएगा 1 एम्पियर की करंट इसमें प्रवाहित हो रही है। अब क्या फाइंड कर लिया जाए बच्चों कि इसकी तुल्य धारिता कितनी है, ठीक, या विभवांतर फाइंड कर लिया जाए कि विभवांतर का मान कितना होगा। तो ए व बी के बीच अगर हम विभव फाइंड करें, मतलब बी ए बी का मान फाइंड करें, ए और बी के बीच कितना विभव है, तो यहाँ से हो जाएगा बी बराबर आई आर से, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर और R की वैल्यू कितना हुआ बच्चों A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 11 ओम। यहां से हो गया बच्चों 11, ये आ जाएगा B AB बराबर 11 वोल्ट। अब बच्चों ध्यान दो, यहां से हम फाइंड कर ले कि इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी बच्चों, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, या हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो फैराड और 3 माइक्रो फैराड किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो उसका फार्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C बराबर 1/C1 का मान 2 माइक्रो फैराड और C2 का मान है कितना 3 माइक्रो फैराड। तो यहां से बच्चों हो जाएगा 1/C बराबर 2×1=2 तीन धन दो, 3×1=3 2×1=2 3×2=4 बराबर आ जाएगा 5/4, या C बराबर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 6/5 माइक्रो फैराड। अब बच्चों फाइंड क्या करना है, पहले प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो बच्चों अगर यहां से क्यू आवेश जा रहा वही क्यू आवेश दोनों में होगा, या हम कह सकते हैं अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका आवेश भी क्या होगा दोनों में समान होगा। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों CV, तो यहां से Q इज इक्वल टू C का मान आ गया है, इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 6/5 और V मतलब A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर कितना है 11 वोल्ट का है, तो हो गया आपका हो जाएगा 11/66/5 और ये क्या था 11 क्या था वोल्ट था और 6/5 क्या था बच्चों माइक्रो फैराड था, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10^-6 गुणे बी का मान 11। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 11/66/5 गुणे 10^-6 ये उत्तर हो गया, या भाग देंगे तो 5×5 तो यहां से क्यू बराबर सी भी दोनों की वैल्यू पुट ऑफ कर दिया गया गुणा हो गया 11/66/5 तो भाग दो 66 में 5 का 5×5 1/16 हुआ 5×15 हो गया। इसके बाद बच्चा 1 दशमलव बढ़ाएंगे 5×10 गुणे 10^ कितना -6 या इसी को हम लिख सकते हैं 13.2 माइक्रो कूलम, 10^-6 का मतलब माइक्रो कूलम। कहने का मतलब बच्चों हो गया कि दोनों संधारित्र पर आवेश कितने हैं 13.2 माइक्रो कूलम। अब क्या फाइंड करना है कि उन संधारित्रों पर प्रत्येक का पोटेंशियल कितना है, विभव का मान कितना है। चलिए आइए विभव फाइंड करते हैं, तो पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर हो जाएगा Q/C1, Q1 क्यों नहीं किया गया क्योंकि Q1 का मान दोनों में सेम होगा, तो Q का मान आगे बच्चों 13.2 गुणे 10^-6 बटे C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2
हो जाएगा 2 × 10 का घात -4, क्योंकि माइक्रो फैराडेस ये 10 का घात -4 से जुड़ा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाग 2 × 12, 2 × 12 1/4.2 × 12 इतना वोल्ट 6.6। उसी तरह V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, तो Q की वैल्यू बच्चों कितना है 13.2 × 10⁻¹⁴ बटे C2 की वैल्यू है 3 माइक्रो फैराड है, ये 10⁻¹⁴ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक कट जाएगा 3 × 12, 1 × 3·12 वोल्ट। ये हो गया बच्चों इसका सलूशन। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।